अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका ज़ाहरा की किचन में वेलकम है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिंपल राइस फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 2 चॉप्ड कैप्सिकम ग्रीन, 1 चॉप्ड ओनियन, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 रेड ड्राई चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, और यहाँ पे जो है मेरे सोप्ड सेला चावल हैं जो मैंने लिए हैं अराउंड 250 ग्राम, एंड दिस इज़ 1 लेमन। चाहे तो इसे पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुकर यूज़ करा है क्योंकि जल्दी बन जाती है। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल अच्छे से हो गया है, अब हम इसमें अपनी डालेंगे ओन। ओनियंस जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम इसको इसमें फ्राई करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। ओनियन अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, अब हम इसको निकाल। ओनियंस को मैंने निकाल लिया है, अब मैं अपना ये ज़ीरा और एक लाल सूखी मिर्च इसमें डाल दूँगी। देखिए मेरा ज़ीरा और मिर्च जो है अच्छे से सिक गई है, फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें अपने ये कैप्सिकम डाल दूंगी। कैप्सिकम डाल के आप अच्छे से इसको सॉटे कर लीजिए। अब इसमें अपना सॉल्ट ऐड कर दीजिए। इसे 5 मिनट तक सिम पे भूनेंगे, उसके बाद हम अपने राइस ऐड करें। ये शिमला मिर्च अच्छे से भुन गई है, अब हमें अपने वॉश्ड जो सूप चावल थे ये डाल देंगे। डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे चलाते हुए। मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें अपना अराउंड 2 कप्स वाटर ऐड कर देंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, हम वाटर ऐड करने के टाइम पे आप ये चेक कर लिया करिए कि अपना ये स्पैचुला डालिया, देखिए कितना डिप हो रहा है। इसका मतलब ये अराउंड 1/2 इंच डिप हो रहा है, तो ये ठीक है। अब देखिए मैंने इसकी लिड लगा दी है, अब 2 विसल्स तक हम वेट करते हैं। 2 विसल्स आ जाएंगी सिम पे, उसके बाद हम ओपन करके बताते हैं आपको आगे क्या करना है। देखिए आफ्टर 2 विसल्स इसका प्रेशर खुद रिलीज हुआ है, तो ये ऐसे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मेरा बताना स्किप हो गया था। कसूरी मेथी डाल के हल्का सा बस इसे स्टिर कर लीजिएगा। अब ये जो मेरा लेमन है इसको मैं अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल दूंगी। यहाँ मैंने यूज़ टोमेटो और कर्ड का नहीं करा है, ये बहुत जल्दी और सिंपल तरीके से बन जाते हैं, इसमें आपका ना ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा ना कुछ, और ये बहुत डिलीशियस लगते हैं खाने में, यकीन मानिए मेरा, एक बार ट्राई करना तो बनता है। बस अगेन आप इसे हल्का सा स्टिर कर दीजिए, देखिए क्योंकि जो हल्का सा लेफ्ट ओवर जो वाटर है वो इसमें अपने आप सूख जाएगा। थोड़ा फ्लेम को आप हाई कर दीजिए, मीडियम टू हाई। अभी मेरे बन गए हैं और मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ, अब बस डिश आउट की बारी। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है, अब यहाँ जो मेरी ये जो प्याज थी जो मैंने फ्राई करी थी उसको आप ऐसे इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। देखिए तो मेरी ये तैयार है बिरयानी, अब आप भी खाइए और बताइए। प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।